जुहार मुई बेणु पश्चिम ओडिशार छोट बड़ खबर के निकरे देखमा नुआखाई गैरेज सरीज हेले मूल करमा हेडलाइंस नु पहला नु हुलुस्तुलुस हला विधानसभा कार्यमूल नु विरोधी हटगोल मरुड़ी प्रसंग ने स्वतंत्र आलोचना दावी कले नरसिंह मिश्र बाचस्पति पोडियम पक्षे कांग्रेस विधायक हो हला राज चक्रवर्ती नकली शिक्षक अभियोग पर भी नहीं हबार जांच हाइकोर्टर तागिद पर कार्यानुष्ठान ढिला 439 नो एतका नकली शिक्षक बाबद ने चली खोलताड़ समले योजना ने चली अव्यवस्था के विरोध प्रतिवाद ने आंदोलन के उतरले अंचलवासी उच्छेद पर काणा काम होगा से नहीं द्वंद्व ने जिला प्रशासन रास्तारोक कले उत्त्यक्त लुके ओडिशा ड्राइवर महासंघ आंदोलन सुवर्णपुर सुंदरगढ़ शाखा तरफ नु जिलापाल कार्यालय घेरु ड्राइवर मान के सामाजिक सुरक्षा देवार संगे 10 टका दाबी नहीं कर विक्षोभ जिलापाल जरिया ने मुख्यमंत्री उद्देश्य ने दावीपत्र प्रदान नुआपड़ा ने मुड़ दुखा बढ़ुचे मोरडी परिस्थिति प्रतिवाद ने जय किसान मजदूर संग्राम परिषद चाषी पदयात्रा जिला के मोरडी अंचल घोषणा करवा के दावी जोरदार हवा आंदोलन चेतावनी नवान्न लगी आज हूचे उल्टा काउडुन पश्चिम ओडिशार गाँ नुसर हेचे सजवाज आबार 11 तारीख शनिवार दिने पश्चिम ओडिशार पढ़ुआ त्यार नुआखाई कोरोना आरु मर्दी चिंता भितर लुके पाल्बे परब आरु मेडिकल ती छाड़ी चली गले निजर लुके सहारा देले डाक्टर 4 बरस विधायक दायित्व नेले मलापुर भी पोहेकर देले मुक्ताग्नि फेर घाय चर्चा ने डाक्टर रामचंद्रन महान काम आसमा पूरा खबर के विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ गृह ने कांग्रेस हवाला गृह भितर नाराबाजी कले कांग्रेस सदस्य प्रश्नकाल बातिल करी मोर्डी स्थिति आलोचना लागी दाबी करथिला कांग्रेस मुलतवी प्रस्ताव ने समान प्रसंग आसीथिबानु अग्रह करथिले बाचस्पति इतिलागी 12:34 तक गृह मुलतवी करथिले बाचस्पति आज गृह कार्य आरंभ नु दिवंगत विधायक आरु कोविड योद्धा मानकर उद्देश्य ने शोक प्रस्ताव आगत करवार उतारु गृह रे वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया ने अभिभाषण रखिथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कोविड युद्ध ने जीवन हरैथिबा कोविड योद्धांकर प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जायथिला थरे कि दुई थर नहीं से 4 थर चिठी लेखा जीवा परे भी नहीं हबार नकली शिक्षक सर्टिफिकेट जान जिला आरु ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केनसी पदक्षेप नहीं नबार जिला प्रकल्प संयोग माने भी प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय चिठी के खातिर नहीं करवा नकली शिक्षक सर्टिफिकेट मार्कशीट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट माइग्रेसन परीक्षा फल प्रशासन तारीख जाति प्रमाणपत्र सर्विस रेकर्ड जांच करवा कि 2020 डिसेंबर 1 अक्टोबर 29 2021 जानुरी 31 अगस्त 19 निर्देशालय तरफ नु चिठी लिखा जाइतिला तार परे भी तथ्य दाखल नहीं करा जाई जेंतिर लागी 23टा जिलार डीओ आरु डीपीसी 69टा जन बीओ गला परे 19 तारिख ने पेन थरे पठाई करी रिपोर्ट देबा के कहा जाई छे नकली शिक्षक आरु कर्मचारी कर विरोध ने कार्यस्थान केबा के कहा जाइतिले भी ठीक समय ने तथ्य नहीं मिलमानु निर्देश के बहुत असुविधा सम्मुखीन हेबा के पड़ुछे तेब ए बाबद ने अत्का आलोचना लगी आम संगे जोड़ीचन आम पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र बारिक जोड़ीचन सुरेन्द्र देखमा एतक थर निर्देश हवा पर भी ए जाए कि पदक्षेप नहीं ना आगे काण हे पर लगुचे कहीं एत गुड़े हजार हजार संख्या में बाहुचन गुड़े लोग नकली शिक्षक बाहुचन तथापि ए जाए कार्यानुषान नहीं पार्बा
देखुन बेनु राज्य रे पूरा जे नकली शिक्षक रैकेट चली इनिकी तो हाइकोर्ट निर्देश देलापर प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय गला 29 तारीख गोटे चिठी लिखीचे और गला 31 तारीख गोटे डेडलाइन देता तार सर्टिफिकेट जांच कर कार्यानुषान नवार लगे कि सबुत बड़ कथा है जे हाइकोर्ट ने गोटे जनस्वार्थ मामला रुजु होता और हाइकोर्ट हेल्ले घटना के गुरुतर सब नहीं गोटे एमिकस कुरी नियुक्ति करते कि सबुत बड़ कथा है जे हाइकोर्ट निर्देश पर कार्यानुषान ना नेबार्टा गोटे निश्चित भाव गोटे दुर्भाग्यजनक कथा जदि आम जब समग्र राज्य कथा जो देखमा जे प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय जे चिठी देचन गला 29 तारीख से 439 टीचर जे नकली शिक्षक ताकर सर्टिफिकेट जांच करवा लगे कहीचन कितु जदि आम प्रकृत तथ्य देखमा जे राज्य में हजार हजार नकली शिक्षक अच्छा जदि आम समबलपुर कथा कहमा तो समबलपुर एसडीजेएम कोर्टर निर्देश पर ही टाउन थाना गला 22 तारीख गोटे एफआईआर होता और सबुत बड़ कथा है जिला शिक्षा अधिकारी ना एफआईआर होती जेहेतु नकली शिक्षक मान विरोध में किसी एक्शन ना नहीं बोली तो शेषे 44टा नकली शिक्षक सागे जिला शिक्षा अधिकारी एफआईआर होती विभिन्न संगीन दफारे मामला रुजु होती बर्तमान जांच चली कि सबुत बड़ कथा है यहाँ केवल पश्चिम ओडिशा नुहे गंजाम कथ कहून कि अन्य जिलार कथ कहून शह शह नकली शिक्षक सूचना अधिकार कर्मी सत्यनारायण सत्यनारायण बाबू देखमा कले एतके गुड़े शिक्षक नकली शिक्षक बाहुन सारा ओडिशा बाहुन पश्चिम ओडिशार कथा नहीं कबा एटा हाइकोर्ट निर्देश देलापर भी ए जाए कि राज्य सरकार कि जिला प्रशासन किसी कार्यानुषान नेवा के देखुन बाबद ने आप देखा सरकार घुसियाकर जेन अर्डरटा अच्छे आप पाँच पाँचटा चिठी देला बाद भी आम जिला शिक्षाधिकारी मैंने जेन अच्छा इमें निदा विष्णु होकर बसीचन इमाने सरकार रो नियम रो खुला खुला उल्लंघन करुचन जदि इमाने पाँच पाँचटा चिठी के अपेक्षा करले इतांगर मंद उद्देश्य निहाती रूप से रहीचे आ इमाने जेतकी थर सरकार गुसियानु चिठी आसुचे से चिठी मानके दबेकी रखी दौचन आ दबेकिरी जाली मास्टर मानकरनु थोड़े थोड़े माल पकई दौचन पकेट थी आ शिक्षा व्यवस्थाटाके पूरा तली तलांत कर दौचन हेतिर लगि इ जाली शिक्षक मानकरनु बेसी इमाने जेन शिक्षा व्यवस्था थी अच्छा अधिकारी माने आ संपुक्त जिलार जिलापाल माने जेन माने मॉनिटरिंग करुचन शिक्षा व्यवस्था के सरकार शह शह कोटी टाँह खर्चा होचे इटा पैन थी पका जाऊे तार माने इतार समांतराल भाव आप देखे जदि माने बड़ा दुखर कथा है जे हाइकोर्ट कहला बेले जाकर एखेन हो 31 अगस्त दिन अर्डर सत्य बाबू आम देखा बेले गोटे कहक गले छात्र छात्री मान जीवन सह खेल जदि सरकार जी एजाए पदक्षेप कि ने तो पिला छुआ के पाठ पढ़े नकली शिक्षक भर्ती हो सारा राजन भर्ती हो तो यहाँ आम सत् कहक गले छात्र छात्री मान जीवन सह खेल हो सरकार तो निहाती रूप से आज्ञा जानी शुणी कर बोधे लगुचे हाइकोर्ट कहला बेले सरकार एखे चेतले आघनु क्या सरकार नहीं जान थे क्या कि जेन इमाने जेन शिक्षा अधिकारी माने जिलार अछन इने आपन देखुन आमर पश्चिम ओडिशार संबलपुर नु आरंभ कर अनडिवाइडेड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा इ एरिया भितर शह शह आज्ञा अछन जाली शिक्षक धन्यवाद राजनीतिक सत्य नारायण राव बाबू एवं आमर संगे जोड़ी आमर पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र बारिक तेबे आसीबा परवर्ती खबर को जेतेबेले 125तम हमारो जन्म वार्षिकी पालन करा जाउछि मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सीन अभियान में भी सहभागिता निभा रहे हैं उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती है। मैं इस्कॉन को इससे जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों आज आप सत्य सेवा और साधना के मंत्र के साथ न केवल कृष्ण सेवा कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय आदर्शों और संस्कारों के ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। भारत का शाश्वत संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यही विचार इस्कॉन के जरिए आज आप सभी का लाखों करोड़ों लोगों का संकल्प बन चुका है। ईश्वर के प्रति प्रेम और जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन यही इस संकल्प की सिद्धि का मार्ग है। यही मार्ग हमें
विभूति योग अध्याय में भगवान ने बताया है, हमें विश्वास है कि वासुदेवः सर्वम का ये मंत्र हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और मानव मात्र को भी इस एकता की अनुभूति कराएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सुवचनों के लिए हार्दिक आभार, हृदय से साधुवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री, आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। आसमा अलभा खबर के कलाहांडी जिला ओडिशार भाथाणी हिसाब ती जनाशुना। धान उत्पादन ने द्वितीय बृहत्तम जिला है। ये कृषि प्रधान जिला ने लोकंकर मेन जीविका चाष हेले ई बछर भयंकर मर्डी परिस्थिति देखा दे। वर्षा नैन बोली जिला ने चाष नष्ट हो, पानी अभाव नु जमी फाटिकरी आ करी। एबे तक 90% धान नष्ट हेलान। सेड़े कपा चाष्र भविष्य अनिश्चितता भितरे गति करुचे। आके गणपर्व नुआखाई थिबा बेलके चाषी प्रस्तुति फिका पड़ुचे। इथिलागि कलाहांडी जिला के मर्डी घोषणा करी तुरंत चाषी के क्षतिपूरण देवाके चाषी माने दाबी करिचन। एनेकरी शताधिक चाषी मुख्यमंत्री के उद्देश्य ने दाबी पत्र प्रदान करिचन। नुआपड़ा जिले ने उत्कट होउछे मर्डी परिस्थिति, जहाँके नेकरी जय किसान मजदूर संग्राम परिषद हजार हजार चाषी पदयात्रा आरंभ होइछे। ए कार्यक्रम ने जिलार समस्त अंचल नु आसिथिबा चाषी भाई माने सामिल होइथिले। वर्तमान जिले ने भयंकर मर्डी परिस्थिति देखा देलान। इथिलागि सरकार तुरंत निजर त्रुटि संशोधन करुन बोली जिले ने मर्डी अंचल घोषणा करुन बोली दाबी होइछे। निहले आंदोलन जोरदार हेबा बोली चेतावनी देइछन चाषी। देखन संपूर्ण मरुड़ी दाबी ने आज संपूर्ण जिला के मरुड़ी दाबी ने आज नुआपड़ा जिला जय किसान संग्राम परिषद तरफ नु आज कुरुमपुरी ठानु नुआपड़ा जिलापाल ऑफिस पर्यंत पूरा चली चली कर चाषी बचाओ पदयात्रा आरंभ कर आज आसिक जिलापाल ऑफिस ने पहुँची छन। आने प्राय 5000 चाषी जोग देते इटा के निकर आवाहक काण रही प्रतिक्रिया आसन सीधा सड़क पचरामा। आज्ञा आज आप आज आम कुरुमपुरी रु नुआपड़ा जिला कार्यालय तक 12 किलोमीटर चाषी बंचा पदयात्रा ने आसलु। बाटे हजार हजार किसान आम सागे सांग एवं सारा जिले में पानी घोर अभाव अच्छे नयद नाला बंद कंटा सब सुखा पड़ी किसान क्षेत्र डाण डाण पल्हा बकिया अच्छे बाहल के बाहल धान मान बुनी थी जेना बिहड़ी नहीं पार्ले। आज किसान जेन यूरिया सार दरकार अच्छे से यूरिया सार किसान 700-800 टंकार घिनबाले मजबूर अच्छे। चाषी के किसान के यूरिया सार मिले नहीं पार्ला। आज पीएम सम्मान किसान निधि नुआपड़ा जिलार चाषी वंचित अच्छे, कालिया योजना वंचित अच्छे। नुआपड़ा जिले में 9000 डीप बोरवेल अच्छे और उठा जलसेचन अच्छे जेन थी बिजली आवश्यक अच्छे, किंतु लो वोल्टेज पर मरुड़ी समय से कुआ गुड़ाक सदविनियोग नहीं पार्बार। आज 2017-18-19 फसल बीमा आज जिला प्रशासन तरफ आम दाबीपत्र के ग्रहण कले उपजिलापाल एवं कहले जे आमर पूरा जिला टीम मरुड़ी आकलन करुचे। संध्या 5 आम जिते जित कलु जिलापाल आसन दायीपत्र आलोचना करमु बेला कि जिलापाल व्यस्त अच्छे विभिन्न काम रे विधानसभा चली विभिन्न प्रकार प्रश्न उत्तर अन्न्य प्रस्तुति से अच्छे आपण मैंने संध्या 5 आसन गोटे प्रतिनिधि आम संगे आउ किसी चाषी अच्छा संगे सीधा सल कथ हाँ। आज्ञा आप एकर धान चाष कर चाषर अवस्था भी क्या आज्ञा मैं 15 एकर चाष कर चाष अवस्था क्या चाष तो बहुत भल होता बहुत गजा होता खाली पा अभाव रूटा मरीगलान आ बर्तमान सार ठीक समय आमको मिले नहीं पार्ला। बर्तमान एवं सार आसले भी आम क्या करूँ से ही सकाश आम हताश बस छूँ सर। आम संगे आउ किसी चाषी अच्छा संगे कथ क्या कहे जदि नुआपड़ा जिला के मरुड़ी घोषणा करा नहीं जाए चाषी सब बेस हराण हे आउ मरुड़ी घोषणा जदि नवीन सरकार नहीं करेंगे नुआपड़ा जिला के आगामी दिन में बहुत तीव्रतर आंदोलन करवाके चाषी मैंने सब संकल्प कर। देख चाषी मान प्रतिक्रिया यहाँ थी आगे जदि जिला प्रशासन किंवा राज्य सरकार मरुड़ी घोषणा नहीं करे बोले ये आंदोलन आउ तीव्रतर होगा। नुआपड़ानु कैमरा पर्सन चंद्रशेखर संगे युधिष्ठिर पटेल अर्गस न्यूज।
नुआखाई लागिर सजबाज आएबार 11 तारीख शनिवार दिने पश्चिम ओडिशार पहुआ तिहार नुआखाई इतिर लागि मूल हो गलान सजबाज गलाकालीन इनर लगी लगन देखा सरी तार सांगे डका हका भी मूल हो गलान हेले इ बरस टिके उषा टिके कम हेबा बोली लागुचे काहा कि जे बरस चाषी कर यादे मंडी लगी हाय हाय होउचन आएबार 11 तारीख शनिवार दिन होचे पश्चिम ओडिशार पुरुहा तिहार नुआखाई नुआखाई के नेगिरी सजबाज आरंभ हो गलान गलाकाल ठानु लगन बाहरी गलान जे केते बेले नुआ खिया हबा देवादेवी मान ठाने केते बेले नुआ लागबा तो अलगा वर्ष अपेक्षा इ वर्ष केनता नुआखाई माहौल अच्छे आर काना काना कार्यक्रम हसी नुआखाई के नेगिरी से नेगिरी सीधा आलोचना करमा आम संगे किसी गृहिणी अच्छा तक सागे आलोचना करमा आज्ञा आर कि दिन गले नुआखाई आ नुआखाई हूँ आम पश्चिम ओडिशार गोटे बड़ तिहार आईता के नेगिरी औषध आनंद लगी तो इ वर्ष केनता अच्छे औषध आनंद आर केनता कार्यक्रम रही थी नुआखाई आगु हाँ इटा तो आम पश्चिम ओडिशार गोटे बड़ तिहार नुआखाई तिहार आगर वर्ष बोली वर्ष टिके उषना न लगबार जेहेतु वर्षा टिके कम होचे मरुड़ी हेबार आशंका अच्छे बोले इ वर्ष जेहेतु आम चाषी मानकर बड़ पर्व है आम करुचु धीरे धीरे आस्ते आस्ते कर सफा सुतर घर दुआर आर काली भी आम सोनपुर जिले में लगन बाहरी जाइए लगन बाहरी जे बोले आम नुआखाई पालन करमु किंतु मरुड़ीर जुगु आमे चासी माने टिके उषध आनंद ने लागबार दुखित मन रे सेटा करमु नुआखाई तिहार के आर सज बाज किणा बिका ठानु घर द्वार सफा सुथरा कल ठानु हेलानो चललानो जेतु लगन बाहरी गलानो जा कहथिले लगन बाहरी गलानो नुआ खाइबे किंतु अलगा वर्ष अपेक्षा ए वर्ष टिके उषध आनंद नाइनो जेतु गुटे पटे मड्डी होचे आर गुटे पटे कोरोनार भी मार पड़ीचे तो चासी माने भी केहि औषध नाइनो तो आर जनकर संगे कथा हमा आज्ञा देखुन नुआखाई होचे आमर बड़ तिहार नुआखाई के नेगिरी आमे आगरु तमाने औषध आनंद नेगिरी डका हका हेगिरी करिथाउ तो इ वर्ष केनती अछे माहौल आर काणा आशा करुजुन आर केनती करि पालन करबे आज्ञा आमर पश्चिम ओडिशार तो बड़ पर्व होचे आमर नुआखाई अलगा वर्ष जेंता पूरा धूमधाम से कराहसी नुआखाई इथर टे पैन छाड़ी जाइए धान चाष लोकर नए हुई तो हेतर लगी आमर चाषी मानकर मन भी दुग अच्छे बहुत टे और लगी नुआखाई इथर हेतकी धूमधाम से नहीं हेले भी जेहेतु आमर बड़ पर्व है सेतर लगी आम नुआखाई के टे पालन करमु भल से आतर लगी आमर प्रस्तुति भी आरंभ हो सलान आते के काम भी सरी सलान सेतर लगी और आगे बहुत से पालन हेबा बोली भावुचु बाकी है कि धूमधाम से ना होई इथरो इथरो खाली मोडी ने से गुडे पेंडेमिक चली जे त माने कोविड चली जे कोविड के नेगरी केंति सरकार ये करु जों जे बेसी गदरिंग ना हेबो तो हमर एटा गुडे माहौल जन हेसी नुआखाई रे ई पेंडेमिक के नेगरी केंति करी आपन माने पालन करबे देखु ना या ई पेंडेमिक सिचुएशन रे तो आमे कि गदरिंग ना हेबार कथा बाकी हमर जेहेतु इटा बड़ पर्व है तो आमे हमर सोशल डिस्टेंस रे मेंटेन करी करी आमे सेटा के पालन करमु आउ घरे घरे भी सतर्क हे करी करमु निश्चित भाव जहाँ कहते गोटे पटे मरुड़ी सम्मुखीन होचे चाषी आर गोटे पटे कोरोना कटकणा चलीचे तो निश्चित भाव में दुही कटकणा के नहींक्री के लोक मैंने सतर्क नुआखाई पालन करेंगे सेता के नहींक्री समस्ते प्रस्तुत अच्छा आर जेहेतु इटा गोटे बड़ तिहार आम पश्चिम ओडिशार लगे समस्ते पालन करेंगे कि जेन उष्णाकी पालन हेसी जेन प्रकार गह गह होगी डका हका होगी कराएसी सेटा टे यथर माहौलटा कम अच्छे देखवा के मिलू सुवर्णपुर जिल्लारु वीडियो जर्नलिस्ट नियोजन संगे सत्यव्रत प्रधान अर्गस न्यूज समलई योजना ने अव्यवस्था के नहीं करी रास्ता रोक समलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर लगी समलपुर योजना ने उचित प्रक्रिया आरंभ हो प्रक्रिया पहला पक्का घर उच्छेद सियाड़े बालीबंदा अंचल ने उच्छेद लगे जिला प्रशासन जारी हो नोटिस हेले अंचल ने काण काम हेबा केते परिवार उच्छेद हेबे से नेकरी द्वंद्व ने जिला प्रशासन जहाँ के नेकरी असंतोष देखा दीचे समलपुर समले मंदिर समले योजना लगे यहाँ दे समलपुर सहरवासी चिंता न पड़गलन का हेले कि जेते बेले समले योजना हेबा आ समले योजना न ई अंचल रो सह सह घर भंगा जीवा
ଇହାଦେ ବି କିଛି ସରକାରୀ ଘର ଭଙ୍ଗା ସାରନ ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଘର ଅଛେ ଯେନ୍ମାନେ ନିଜର ଘର ରଖିଛନ୍ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗବେ ଇତାକେ ନେଇକି ସଠିକ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇକି ଇହାଦେ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବେଲବଦାନ ରାସ୍ତାରେ କରିଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଇନ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଅଛନ୍ ଆଉ ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ ସିଧାସଳଖ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଅଛନ୍ ତାକୁ ନ ପଚରାମା କାଁ ତାଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛେ ମେନ୍ କଥା ସେଟାକେ ନେଇକିରି ଏଦେ ପଚରାମା ବୁଝ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପହିଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯେନ୍ତାକି ଏକ କିଲୋମିଟର ତକ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନୁ ବାଲିବନ୍ଧା ତକ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ ଯେ ଆମର ଘର ବି ପଲାବା ହେଥିଲାଗି ଛୁଆମାନେ ବି ଆଇଛନ୍ ଆଜି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆମେ କେନ ରହିମୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍ ଆଜି ଯେ ପଚରଉଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାଣା ରୂପରେଖା ଅଛି କେତେ ଦୂର ଯିବା କାଣା ଯିବା ଆଉ ନୋଟିସ ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବିଧବା ଅଛନ୍ କି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ ଆଉ ସେନ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆମର ଘରରେ କାଣା କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛେ ଗଛ ଲଗାବାର ଲାଗି ଲେକିନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ଯେନ୍ଟାକି ତିନିଟା ଚାରିଟା ପିଢ଼ି ହେଲାନ ରହିଯାଉଛନ୍ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଜି ଏଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛେ ସରକାରକେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସିକିରି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛେ ଆମେ ନାଇଁ ଉଠୁ ଆମର ମରବାର ତକ ନାଇଁ ଉଠୁ ଯେନ୍ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ହେବା ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାର ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାଣା ହେବା ଆମର ଯେନ୍ ଘର ମାନେ ଯିବା ଭାଙ୍ଗବା ଆମର ବା ବଜାନୁ ଆମେ ରହିଛୁ ଭିଟା ମାଟିରେ ତାହେଲେ ଆମେ କେନ୍ କେ ଯିମୁ କାଣା କରମୁ ଯେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛେ ଏଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବଗିଚା ହେବା ଏଇଟା ବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉ ଯେ ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗବା ପହିଲା ତାଙ୍କେ ସେତିକି ବଖରା ଘର ଦିଆଯାଉ ପହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେନ୍କେ ନିଆଯାଉ ତାପରେ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି ଆଉ ତୁମେ ଘର ଭାଙ୍ଗମ ବୋଲବ ଇନୁ ହୋଟେଲ କର ତୁମର ଯେନ୍ଟା ଆମ ରାନୀ ବକ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଐତିହ୍ୟ ଆଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆଏ ସେ ରାନୀ ବକ୍ରୀ ତୁମର ସବୁ ଆମର ଯେନ୍ଟା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକେ ତୁମେ ଛାପି ଦେବ ଆଉ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରବ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଆସ୍ତକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ପାଣି ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଉ ଆମେ କାଲି ପାଇବୁ ବୋଲି କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସରକାର ନୁ ଭକ୍ତ ନାଇଁ ଥିଲେ ଭଗବାନ କେନୁ ଆସିବେ ଯଦି ମାଙ୍କର ସେବା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ତାର ମାନେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ରହି ରହି ଆସିଲୁ ନ ମାଙ୍କର ଯଦି ସେବା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ମାନେ ଯାଇନୁ ଏତେ ଲୋକ ଯଦି ନାଇଁ ରହିଲୁ ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ହଜାର ଲୋକ ଯଦି ଇନୁ ରହୁଛନ୍ ପରିବାର ତାଙ୍କର କିଛି ଥଇତା ନାଇଁ କରିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ ନାଇଁ ଦେଇକି ଜଣେଇ ନାହିଁ ସରକାର ତାଙ୍କର ପଟ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ ହିଁ ହେବେ ଡରବେ ହିଁ ଡରବେ ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ତ ସେମାନେ ଇଏ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ ଯେ ଆମର ଘର ପଳାବା ଇଏ ତ କେହି ରେଷ୍ଟି ଜାଗା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଗା ଯୋଗୀ ମାରି ଆସିକି କେବେ କେବେ ବା ପଜାରୁ ଅଛନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିଥିତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଥିତେ କି ଏତେ ଦୂର ଯିବା କି ନାଇଁ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଆତଙ୍କିତ ହେଇକିନା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରେଇ ଅଛନ୍ ଯେ ଆମର ଘର ପଳାବା ଆମେ କେମିତି କରୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରୁନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାର ମାନେ ଉଚିତ ତାର ମାନେ ଥଇଥାନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖବା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବି କରୁନ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଗେ କରୁନ୍ ଆଉ ମାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସହରବାସୀ ଯେ ଯେନ୍ ସଠିକ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଥଇଥାନ କରିବା ସେଟା ନାଇଁ କରବାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେନ୍ ଘର ମାନେ ଭଙ୍ଗାଯିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳ କାଣା କାଣା କରାଯିବା ଆର୍ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇହାଦେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରକେ ପହିଲା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଛୋଟ ଘରକେ ପହିଲା କରି ଧମକି ଚମକି କରି ଘର ଭାଙ୍ଗବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକିରି ଇହାଦେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଇହାଦେ ବେଲବଦାନ ରାସ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ ତ ଆଗେ ଦେଖବାର୍କେ ରହିଲା ସରକାର ଇମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଦାବି ରଖିଛନ୍ ତାକେ କେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋଶିତ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୀବନ ବୀମା ଏନ୍ତା ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ ମହାସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆଗ୍ନୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେନ ଘରୁ କରାଯିବା ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାବି ବୋଲେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଭାଇ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବହେଳିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସମ୍ମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନାମରେ ଏକ ସଂଘ କରିଛୁ ସେ ସଂଘ ଜରିଆରେ ଆମେ ଶାଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମ ଜରିଆରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଛୁ
ଯେ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଲାଗି କୌଣସି ଗୋଟେ କାନୁନ ଲାଗୁ ହଉ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ପିଟୁଛୁ ଆମକୁ ନା ହେବା ପ୍ରକାର ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ କଲା ତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବେ ସେନ୍ତା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନେବି 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତକ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେନ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 10 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ବହୁତ ଅନଦେଖା କରାଯାଉଛି ଆମର କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ କି ଆମର କୌଣସି ମାନେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିବହନ ଚାଲୁଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ମାନେ ଆମକୁ କେହି ମାନେ ତାର ମାନ୍ୟତା ଆମ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁନାହିଁ ତ ଆମେ କ'ଣ ବହୁତ ଆମର 10ଟା ଦାବି ରହିଛି ସେଇଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ରାଲିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କେ ଘରର ଲୋକ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସାହାରା ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ଦେବଦୂତ ହେଇକିନା ବଢ଼ାଲେ ସହାୟତାର ହାତ ସେସ୍ନେ ମଲା ପରେ ବି ପୁଅ ହେଇକରି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲର ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦନୀଙ୍କର ଇମହାନତା ଫେର ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକେ ଆଣିଦେଇଛେ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପୁଅ ଏନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ ଡାକ୍ତର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲତ୍ପିରା ଗାଁର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବାଘ 62 ବର୍ଷ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ 2018 ଜୁଲାଇ ମାସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କେ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ପରେ ଭଗବାନ ଏନ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦନୀ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିକରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକେ ଦେଖାରେଖା କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଲୁଗାପଟା ସାଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏ ନେଇକରି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ପରିବାରକେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି କିଏ ଶବ ନେବାକେ ନାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ପୁଅ ପାଲଟିକିରି ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦନୀ ଆରୁ ଶ୍ମଶାନ ନେଇକରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ ପାଖାପାଖି 3.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜଣେ ପୁଷ୍ପା ବାଘ ନାମକ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଯିଏକି ପକ୍ଷପାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ତାକୁ ଆଣି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଫିମେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିଲା ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ତେଣୁ ଆମର ସେବିକାମାନେ ଆମର ପିଜି ଛାତ୍ରମାନେ ତଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ 3.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆଉ ଡାକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠୁ ବଢ଼ିକରି ଗୋଟେ ମା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ନେହଭାବ ରହିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଭାବ ରହିଲା ମଝି ମଝିରେ ସେ ଆମକୁ ଅଲି କରୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କପଡ଼ା ପାଇଁ କହୁଥିଲା କିଛି ମ୍ୟାକ୍ସି ପାଇଁ କହୁଥିଲା କେତେବେଳେ ତ କେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ କହୁଥିଲା ତ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଆଣି କିଣି ଆଣି ଦେଉଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ତ ଯେହେତୁ ତାର ଆମ ଭିତରେ ରୋଗୀଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ମା ସନ୍ତାନ ବା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତା ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ମୋ ପୁତ୍ର ହୋଇ ତାର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲି ଏବଂ ଆଜି ତାର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବି ଏବଂ ଯାହା କ୍ରିୟା କରିବା କଥା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିରେ ତାର ପାଳନ କରିବି ସମୟ ହେଇଛେ ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ଇନ ରକମା ଜୁହାର